नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों आज हम बात करेंगे चतुर्विंद संध्याय तर्पण पुटपाक विधि। दोस्तों हम 1 से लेके 23 तक के सारे चैप्टर कर चुके हैं सीक्वेंस में। आपको अगर ये वीडियो नहीं देखी है आपने तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर अष्टांग हृदय के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में आपको सारे मिल जाएंगे। आप वो वीडियो देखिए तभी चतुर्विंद संध्याय तर्पण पुटपाक विधि देखिए, ठीक है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं चतुर्विंद संध्याय तर्पण पुटपाक विधि। हर बार की तरह मैं यही बोलूँगा कि आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। तर्पण, तर्पण का मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तर्पण यानी नेत्र का स्नेहन करना या पुष्टि करना, कि नेत्र को स्नेहित करना। अब देखो स्नेहन करूँगा, स्नेहन कितने हैं, घी तेल वसा मज्जा, चार प्रकार के स्नेहों से स्नेहित करना नेत्र को। और जब ये स्नेहित होगा तो क्या होगा, पुष्टि होगी, नेत्र के रोग दूर होंगे, नेत्र की जो वातज व्याधियाँ दूर होंगी, नेत्र का जो रूखापन है दूर होगा, नेत्र की स्तब्धता दूर होगी, बहुत सारे डिजीज हैं वो खत्म हो जाएगा। और नेत्र मतलब पुष्टि, उसकी वर्ण सामर्थ्य मतलब देखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, बहुत सारे जो डिजीज हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो नेत्र तर्पण का शाब्दिक अर्थ है नेत्र का स्नेहन और पुष्टि करना। योग रोग, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें अपन को क्या करना चाहिए, नेत्र तर्पण करवाना चाहिए, ध्यान से सुनो। नेत्र की रुक्षता, स्तब्धता, अभिघात, वात पित्त रोगों में अभिषंद, अधिमंत और जीर्ण पच्छम। अब देखो ध्यान से, नेत्र की रुक्षता, जब नेत्र रूखी सूखी हो, ठीक है, बिल्कुल रुख जाती मतलब रूखी हो जाती हो, मतलब ड्राइनेस। स्तब्धता, जकड़ गई हो, अभिघात कोई चोट लग गई हो, ठीक है, किसी ने अपन उंगली लग जाती है चोट से, या फिर किसी ने कुछ डंडा मार दिया, कुछ भी ऐसा जो चोट लग गई। वातज पित्तज रोगों में, दो तीन दोष होते हैं वात पित्त कफ, तो वातज और पित्तज रोगों में, ठीक है। और अभिषंधि, अभिषंधि एक तरीके से लालिमा युक्त होना, एक तरीके से कफ का बढ़ जाना, तो अभिषंधि। अधिमंत और जीर्ण बच्चा, अब इनके मीनिंग मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो आपको ये अधिमंत और जीर्ण पच्छम याद कर लेना है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपन को नहीं पता होती है, तो आई होप आप समझोगे मेरी बात को। अब देखिए योग काल, ये अपन को कब करवाना चाहिए तर्पण, जब नेत्र में लालिमा, शोथ, अश्रु व मैल ना हो तब प्रयोग करें। जब नेत्र में लालिमा मतलब कोई इन्फेक्शन होता है, जब लाल आंख हो जाती है ना, तब वो नहीं होनी चाहिए, तब अपन तर्पण यूज कर सकते हैं। शोथ, कोई सूजन नहीं होनी चाहिए, अश्रु आंसू नहीं आने चाहिए, कोई मैल गंदगी या गीड़ होता है ना, अपन गाँव की भाषा में गीड़ बोलते हैं, जो मैल जम जाता है आंखों में गीड़ आ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, तभी प्रयोग करना चाहिए। योग काल ये मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये लालिमा, शोथ, अश्रु, मैल कैसे दूर होंगे, तो उससे पहले दो विधि थी, आश्चुचेतन और अंजन, वो दो विधि पहले कीजिए, उससे क्या है, लालिमा दूर हो जाएगी, शोथ दूर हो जाएगा, अश्रु दूर हो जाएंगे और मैल दूर हो जाएंगे। आश्चुचेतन मतलब पानी से धोना, परिसेक करना, अंजन एक तरीके से पिंड रस क्रिया और चूर्ण के माध्यम से औषधि का लगाना, जिससे सारे रोग दूर हो जाएं, उसके बाद में अपन को तर्पण लगाना चाहिए। अब जैसे प्रत्येक चैप्टर की तरह वही है कि पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। तो बमन विरेचन नस से शरीर में ऊर्ध्वकाय का शोधन करके निवात स्थान में साधारण ऋतु में प्रातः या सायकाल उत्तान लिटाएं। अब देखो यहाँ पे आया है कि बमन विरेचन नस, जो व्यक्ति का अपन पंचकर्मा करवा रहे हैं तो उसका बमन हो गया, विरेचन हो गया, नस हो गया, वह ऊर्ध्वकाय का शोधन करके, मतलब अपनी ऊर्ध्वकाय मतलब बमन से शोधन करता है, ऊपरी हिस्से का शोधन करके निवात स्थान में साधारण ऋतु में, निवास स्थान मतलब जहां पर वायुमंडलीय वायु सीधे प्रवेश ना कर सके, मतलब एक बंद कमरे में। अब आता है साधारण ऋतु, साधारण ऋतु कौन कौन से हैं, तीन साधारण ऋतु हैं, एक तो वसंत, प्रावर्ट और हेमंत, वसंत, प्रावर्ट और शरद ऋतु, सॉरी हेमंत नहीं है, शरद ऋतु जो वर्तमान टाइम में चल रही है। तो तीन साधारण ऋतु हैं, मैं प्रातः या सायकाल उत्थान लटाएं, कब टाइम कितना है, सुबह या शाम को, उत्थान लटाएं मतलब सीधा लिटा दें, यह होता है पूर्व क्रम। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सी ऋतुओं में करना है। देखो ये तो है सामान्य व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की, कोई साधारण ऋतु, कोई व्यक्ति का रोग हो गया तो अपन साधारण ऋतु का वेट नहीं कर सकते, उसको तो उसी समय इलाज करना चाहिए। तो ये स्वस्थ व्यक्ति जो मतलब करवाते हैं ना, क्योंकि आयुर्वेद के दो मुख्य क्रम है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, आयुर्वेद आतुरस्य विकार प्रसन्नम, कि भाई स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो आंखों की भी रक्षा करेगा तो वो कराएगा क्या, तर्पण करवाएगा। तो ये साधारण ऋतु किसके लिए बोला है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, और किसी का रोग हो रहा है तो उसको उसी समय ठीक करना जरूरी है। प्रधान क्रम, अब प्रधान क्रम ध्यान से देखिए,
रोगी के नेत्र कोशों के बाहर जौ वह उड़द की आटे से बनी दो उंगल ऊंची पाली बनाए। ये बोल रहा है ये अपने जो अपने नेत्र कोश हैं, ठीक है, आई बॉल्स हैं, आई लीड्स हैं, तो इसके चारों तरफ जहाँ पे अपने पलकें के बाहर चारों तरफ दो उंगल मोटी ऊंची क्या बनाए, जौ के उड़द की पाली बनाए, एक तरीके से दिया टाइप का बना ले। नीचे से खो वो रहेगा, अपनी आंखें दिखेगी उसमें, और आंखों के चारों तरफ मतलब आटे की तरह दो गोल दो उंगल ऊंची एक गोल मतलब आकार की दिया आकार की अपन को एक बनानी है पाली। अब उसमें दोष अनुसार सिद्ध ग्रंथ को देखो, दोष अनुसार बोला यहाँ पे भाई, वातज में अलग है, पित्तज में अलग है, कफज में अलग है, तो दोष अनुसार सिद्ध ग्रंथ कि वातज रोगों में अलग ही यूज होगा, पित्तज रोगों में अलग ही यूज होगा और कफज रोगों में अलग ही यूज होगा, तो दोष अनुसार सिद्ध ग्रंथ को गर्म पानी में पिघला कर, कैसे पिघलाओगे, तो उस डब्बे को जो भी उस डब्बे में घी है उसको मतलब गर्म पानी में रख देते हैं ताकि वो उष्मा पाकर वो पिघल जाता है। इस पाली में भरें इतना कि पक्ष में नहीं दिखें, जो अपनी पलकें हैं वो नहीं दिखनी चाहिए, उसको भर दो। अगर इस चीज़ को अपन कैसे समझोगे, आप अच्छा इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा, आप YouTube पे जाना मतलब सर्च करना कि तर्पण विधि प्रैक्टिकल, तो आपको वीडियो आ जाएंगे सामने, तो आपको कैसे होता है वो सारी चीज़ें आप आंखों से देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोष अनुसार सिद्ध ग्रंथ को गर्म पानी में फिकला कर इस पाली में भर दें कि जो पलकें हैं वो भी डूब जाएँ उस घी में। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नक्तांध्य वातज तिम्र व कृच अवबोध रोगों में ग्रंथ के स्थान पर वासा का प्रयोग करें। यहाँ पे तीन रोग आए, नक्तांध्य मतलब नक्सील जो खून निकलता है, ठीक है, वातज तिम्र मतलब वातज दोष की वजह से जो अंधकार होता है दिखाई नहीं देता उसमें, और कृच अवबोध जो मतलब अपनी बाहुएं हैं मतलब जो अपनी अपर लिंब है उसमें मतलब वातज व्याधियों में ग्रंथ के स्थान पर वसा का प्रयोग बताया है। मतलब ग्रंथ नहीं डालना आंखों में, क्या डालनी है, वसा डालनी है। रोगी धीरे धीरे उन्मेष निमेष करता रहे, रोगी धीरे धीरे कि भाई पहले तो आंखें बंद करके तो अपन ने वो डाल दिया घी, फिर उसको बोलो भाई आंखें खोलो, फिर वो आंखें खोलते घी अंदर जाएगा, फिर उसको बोलो कि आंखें बंद करो, इस तरह 3 से 4 बार 5 बार 10 बार आंखें खुलाओ बंद कराओ खुलाओ बंद कराओ, तब तक कराओ जब तक कि वो एक तरीके से उसको जलन ना होने लग जाए, तब तक वो खुद ना बोले कि अब वेट नहीं होता, वो इनको बाहर निकालो, तब तक आपको करना चाहिए। अभी आता है तर्पण मात्रा, मैंने बोला ना कब तक करना चाहिए, इसका एक स्पेसिफिक वर्णन दिया है साईं मतलब आचार्यों ने कब तक धारण करना चाहिए, तो वातज रोगों में 1000 मात्रा तक, पित्तज रोगों में 600 मात्रा तक, स्वस्थ व्यक्ति और कफज रोगों में 500 मात्रा तक, वर्तमगत रोगों में 100 मात्रा तक, संधिगत रोगों में 300 मात्रा तक, शुक्लगत रोगों में 500 मात्रा तक, कृष्णगत रोगों में 700 मात्रा तक, दृष्टिगत रोगों में 800 मात्रा तक, और अधिमंत में 1000 मात्रा तक। मात्रा से आप क्या समझते हैं, पलक खोलने और बंद करने में जितना टाइम लगता है तो खोल लो या बंद कर लो उसको एक मात्रा कहते हैं, मतलब पलक खोली अपने तो एक मात्रा, तो पलक बंद करी एक मात्रा, ठीक है, तो पलक खोलने या बंद करने में जितना समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। तो इतने टाइम तक 1000 मात्रा, 600 मात्रा, 500 मात्रा, 200 मात्रा, 300 मात्रा, 500 मात्रा, ये सब रोग है। तो पहले आपको रोग डिसाइड करना है कि कौन सा रोग है आंखों में, उसके अनुसार आपको तर्पण विधि करवानी है। अब आता है पश्चातकर्म, पश्चातकर्म के नेत्र के अपांग प्रदेश, अपांग प्रदेश कौन सा होता है, कर्ण की तरफ की नेत्र संधि, जहाँ अपना कान होता है उसके आगे दृष्ट जिस तरफ से संधि होती है नेत्र की, मतलब कान के पास वाली संधि जहाँ पे आँख खत्म होती है, दोनों पालिकाएँ मिलती हैं, उस तरफ से पाली में छेद करके इसने को दूसरे पात्र में निकाले, जो अपन ने घी भरा था ना उसको निकाल लेना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि धूमपान दें, उसको धूमपान करवाएं, आकाश में चमकीली वस्तुओं को ना देखें, ये बात ध्यान रखनी है, तर्पण कराने के बाद में कभी भी सूर्य की तरफ ना देखें, टीवी ना देखें, मोबाइल ना चलाएं, कुछ भी ना करें, बस अंधेरे वाले रूम में आ जाएं और आराम से लेटे रहें। सम्यक व अतियोग व अयोग पर विचार करें, जब अपन हर चैप्टर में कर रहे हैं कि सम्यक अतियोग व अयोग पर विचार करें, सम्यक यानी भाई ठीक ठाक से हुआ कि नहीं हुआ, अतियोग भाई ज़्यादा हो गया, और अयोग मतलब हुआ ही नहीं हो, अपन जो करवाना चाहते हैं वो हुआ ही ना हो, ये इसमें विचार करें। तो सम्यक योग के क्या लक्षण है, प्रकाश क्षमता बढ़ती है, सम्यक अगर सब कुछ ठीक हो गया तो आप जब उसको रिलैक्स हो जाए, जब सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसकी जो प्रकाश क्षमता मतलब उसकी देखने की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, मतलब दूर दूर की वस्तु में उसके दिखने लगेंगे अच्छी तरीके से, और साफ और क्लियर विजन हो जाएगा उसका, स्वस्थता, आँखों में कोई रोग नहीं रहेगा, निर्मलता व लघुता आती है, आँखें स्वच्छ रहेंगी और लघुता हल्कापन लगेगा। अयोग विपरीत लक्षण,
मान लो कि हुआ ही नहीं, तो ये सारे मतलब तो प्रकाश क्षमता बढ़ेगी ना, स्वस्थ रहेंगी ना निर्मलता लघुता आएगी, मतलब सब इसके विपरीत होंगे। और अति योग में नेत्र में कफज विकार। अब नेत्र में कफज विकार कैसे हो गए? अतियोग क्या है, मतलब अतियोग का मतलब क्या होता है? जरूर से ज्यादा यूज करना। अब अपन क्या डाल रहे हैं उसमें? आंखों में घी, दोष अनुसार सिद्ध ग्रंथ। तो है तो घी कफ वृद्धि करने वाला ही, तो नेत्र में कफज विकार हो जाते हैं, मतलब कफ दोष की ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो कफज विकार हो जाते हैं। अब देखो तर्पण प्रयोग विधि। वातज रोगों में प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं, पित्त रोगों में एक दिन छोड़कर, और कफज रोग और स्वस्थता में 2 दिन छोड़कर। ये बोल रहा है कि कौन कौन से रोगों में, कौन कौन से दोषों के अनुसार रोग है ना, उसमें कितने दिन तक अपन मतलब कौन कौन से टाइम में क्या करवा सकते हैं तर्पण। तो ये बोल रहा है वातज रोगों में अपन को तो प्रतिदिन करवाना है भाई, सुबह सुबह, अगर सुबह करवा रहे तो डेली सुबह 3 दिन तक या 7 दिन तक। पित्त रोगों में एक दिन, जैसे आज करवा लिया तो कल मत करवाओ, फिर परसों करवाओ, मतलब एक दिन छोड़कर। तो रोग कफज और स्वस्थ अवस्था में 2 दिन छोड़कर। क्यों? क्योंकि अपन इसने का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कफज पहले ही व्याधि कफज है, और अपन इसने का यूज़ कर रहे हैं, तो 2 दिन छोड़कर टाइम लिया। वातज में प्रतिदिन क्यों लिया? वातज होता है रुक्ष, और उसकी रुक्षता की सबसे बेस्ट चिकित्सा होती है इसनेपन। तो वहाँ पे इसनेपन डेली यूज करने का, तभी तो रोग जल्दी शांत होगा। तो ये तर्पण प्रयोग अवधि आपको याद होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन है ना तर्पण विधि पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको ऐसे कैसे डिटो लिखना है। एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई से भी राज्य के स्टूडेंट हो, 10 से 20 नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 1000 मार्क, 5 स्टार, जो आप लगाते हो, MTR जो भी करना चाहते हो कर लो, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम बात करेंगे इसका अगला प्रयोग है पुटपा, जो अपन अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।